भाई को आमंत्रित करता हूँ जो चाहे वोट करे। एक टन भाषण पर एक दिन का एक्शन भारी पड़ता है। नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं विक्रमगंज के शिवपुर गांव में और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर महाराणा प्रताप की एक मूर्ति स्थापित की गई है, जिसे लेकर के ये क्षेत्र चर्चा में है और यहां पर तमाम जो दूर दूर से अतिथिगण भी आए हुए हैं, जिनमें आनंद मोहन सिंह की यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, जिसमें तमाम जो महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई जानकारियाँ दी गई है और जिसके जो मुख्य उद्घाटन करता रहे हैं आनंद मोहन जी रहे हैं, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, और श्री धनंजय सिंह जो पूर्व सांसद रहे हैं वो भी मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं। फिलहाल आप ये हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग शिवपुर से देख रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें रात का भी कार्यक्रम में तमाम जो भोजपुरी के कलाकार का आगमन हो रहा है। सम्माननीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय संचालक महोदय, मंचा सिंह, उत्तर प्रदेश जौनपुर के हमारे अनुज भाई धनंजय सिंह जी, कृष्णा बाबू, हमारे अग्रज बड़े भाई विजेंद्र सिंह जी, धर्मजीत सिंह जी, श्वेता सिंह जी, आयोजनकर्ता लोग, छोटे भाई ने भतीजा मुकेश भाई, निर्मल सिंह जी, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जिलाध्यक्ष संजीव, अमित जी, राजनीति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित जी और एक सार्थक काम, अभी अमित भाषण देने खड़ा हुआ, मुखिया अमित, तो हमने कहा कि तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो तुमने कर दिया वही अनुकरणीय है, अभिनंदनीय है। कहते हैं एक टन भाषण और एक दिन का एक्शन, एक टन भाषण पर एक दिन का एक्शन भारी पड़ता है। आज वही स्थिति, उसको सार्थक करने का काम अमित ने किया है। प्रतिमाएं क्या है? प्रतिमाएं प्रेरणा है, प्रेरणा के स्तंभ है। प्रतिमाएं वो देश मर जाता है जो अपने पुरखों को भूल जाता है, शहीदों को भूल जाता है। आज जो यादगार माइलस्टोन अमित ने रखा है, इलाके का, जिले का, बिहार का बच्चा बच्चा, आने वाली भावी पीढ़ी महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेने का काम करेगा। एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण में हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। साथियों, महाराणा प्रताप पर कुछ बोलना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। महाराणा प्रताप क्या थे और उनका भाला कितना था, उनका कवच कितना था, उनका हाइट कितना था, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। महाराणा प्रताप का दो जानवर जिसने साथ दिया, चेतक, वो भी जब अमर हो जाता है इतिहास में, राम प्रसाद हाथी, वो भी जब इतिहास का अमर पात्र हो जाता है, तो महाराणा प्रताप पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, महाराणा प्रताप को जीने की जरूरत है।
महाराणा प्रताप से सीखने की जरूरत है, महाराणा प्रताप के राह पर चलने के संकल्प की जरूरत है।